महंत राजू दास बोले अखिलेश को पड़ेंगे जूते तो सपा विधायक ने दिया करारा जवाब। सपा विधायक का ऐलान, ऐसी कार्रवाई होगी कि सात पुस्तें रखेंगी याद। राजू दास ने स्वामी मौर्य के बाद अखिलेश पर जूते पड़ने का किया था ऐलान। सोमवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य को एक शख्स ने जूता फेंक कर मार दिया, जिसके बाद जूता कांड की खबर सब जगह फैल गई। इसी दौरान अयोध्या के महंत राजू दास ने एक बयान देकर मामले को और तूल दे दिया। राजू दास ने कहा, स्वामी मौर्य को जूता पड़ा अच्छी बात है, लेकिन जल्द ही हिंदू विरोधी स्वामी का समर्थन करने वाले अखिलेश यादव को भी जूता पड़ेगा। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी को ऊपर भी जूता गिरेगा। राजू दास के इस बयान के बारे में जब सुल्तानपुर की इसौली सीट से विधायक मोहम्मद ताहिर खान से पूछा गया तो ताहिर खान ने कहा, ऐसा करने वाले की सात पुस्तें याद रखेंगी। अयोध्या के एक संत ने अखिलेश यादव पर भी जूता, देखिए मैं वो तो अगर उस तरह के कोई घृणित काम करेंगे, किसी भी माननीय के साथ इस तरह कोई अगर हरकत करने की कोशिश करेगा, तो सरकार इतना सक्षम है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी कि उसकी नस्लें भी याद करेगी। कभी सोच भी नहीं पाएगा कि किसी माननीय के खिलाफ, किसी भी माननीय, सारे माननीय हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, और किसी माननीय के खिलाफ अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ की जो प्रशासन है वो उसको ऐसा जवाब देगा कि उसकी नस्लें उसकी धराशायी हो जाएंगी। जो सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने ये बयान कुड़वार ब्लॉक इलाके के इसरौली गांव में नाग पंचमी पर आयोजित प्रतियोगिता के दौरान दिया। इस दौरान बच्चों के साथ विधायक ताहिर खान ने भी लंबी कूद लगाई, जिसे देख बच्चे और बुजुर्ग सब तालियां बजाने लगे। रिपोर्ट NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।